हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको लॉन्ग गाउन बनाना बताएंगे, वो भी साड़ी में से। साड़ी की वीडियो तो मैं काफ़ी पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जिनमें से मैंने लहंगा गाउन अपलोड किए हैं। इस वीडियो में कुछ खास है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो आप लास्ट तक देखें। इस वीडियो में सिलाई की कुछ हम टिप्स बताएंगे आपको। तो अब पहले मैं आपको गाउन की कटिंग करना बताऊंगी कि साड़ी को हमें किस तरीके से कट करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें साड़ी को कट करना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो साड़ी का पल्लू होता है, सबसे पहले हमें पल्लू को कट करना होता है। तो यहाँ पे हमने पल्लू की कटिंग की है। ये हमारी प्रिंटेड साड़ी है, तो इसमें लास्ट में प्लेन फैब्रिक नहीं है, तो अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। तो मैंने इस पूरी साड़ी को ही फोल्ड कर लिया है। ये हमारी 5 मीटर साड़ी है अब पल्लू को कट करने के बाद। और ये हमारी न्यू साड़ी थी, इसमें से जो ब्लाउज़ होता है वो भी हमने कट किया है। अब हम इसकी लेंथ ले रहे हैं फोल्ड करने के बाद। तो मैं इसकी लेंथ 39 इंच ले रही हूँ, और जो हमारे पर्दे होंगे स्कर्ट पार्ट के, ये हमारे 38 इंच के सिल के तैयार होंगे। तो हमने यहाँ पे लेंथ ली है इसकी 39 इंच, और जो ऊपर का कपड़ा है वो हमने कट कर लिया है। लेंथ लेने के बाद अब हमें इसे सेंटर से कट करना है, क्योंकि 2.5 मीटर हमारा फ्रंट पर्दे का रहेगा और 2.5 मीटर हमारा बैक पर्दे का रहेगा। तो हमें यहाँ से इसे सेंटर से भी कट करना है। तो मैंने साड़ी को सेंटर से भी कट किया है। तो जो स्कर्ट पार्ट है वो हमने कट कर लिए हैं। आप लाइनिंग भी कट कर लें। लाइनिंग मैंने इससे पहले जो गाउन अपलोड किया था उसमें मैंने लाइनिंग कट करना बताया है, आप वहाँ से देख लें। अब हम आपको टॉप पार्ट की कटिंग करना बता रहे हैं। जो हमारी ये साड़ी थी ये न्यू थी, तो इसमें लास्ट में ब्लाउज़ का कपड़ा भी था, तो वो हमने कट कर लिया है। इसमें से हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, और जो पल्लू का कपड़ा रहेगा वो हम लाइनिंग में यूज़ करेंगे। तो पहले हम पल्लू के कपड़े में से ही टॉप पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कपड़े को फोल्ड लेयर में फ़ोल्ड किया है। फोल्ड लेयर में फ़ोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमें लेंथ लेनी होती है। जो हमारा टॉप रहेगा वो हमारा सिल के तैयार 16 इंच का रहेगा, तो हमें 1 इंच सिलाई के लिए इसमें ऐड करना है। पहले हम फिक्स मार्क करेंगे 16 इंच पर, 1 इंच हम यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड कर रहे हैं, और हमें इसको कट करना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जो भी मैंने गाउन अपलोड किए हैं वो मैंने पुरानी साड़ियों में से किए हैं, जिनके ब्लाउज़ हमारे तैयार थे। ये जो मैं गाउन बना रही हूँ ये मैं न्यू साड़ी में से बना रही हूँ, जिसमें से अभी हमने ब्लाउज़ को नहीं सिला था। तो आप ऐसे किसी भी साड़ी में से गाउन डिज़ाइन कर सकती हैं, जो भी आपको साड़ी अच्छी लगे। आप मार्केट से भी ख़रीद के ला सकती हैं और आप गाउन ऐसे डिज़ाइन कर सकती हैं। तो जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा था यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है, और जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम ड्राफ्टिंग करेंगे। ये हमारा फोल्ड लेयर में है। तो पहली टिप्स हमारी यही थी, जो भी साड़ी आपको पसंद है आप मार्केट से ख़रीद के ला सकती हैं और गाउन डिज़ाइन कर सकती हैं। अब हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। शोल्डर में 6.5 इंच ले रही हूँ। तो बंद साइड की तरफ से हमें एक मार्क करना है 6.5 इंच पे। तो यहाँ पे हमने एक मार्क किया है 6.5 इंच पे, और इसके बाद जो हमारे आर्म होल्स की लेंथ रहेगी वो हम 7 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 7 इंच पे एक मार्क करना है और ऐसे लाइन खींचनी है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे चौड़ाई का फोर्थ लेना है, जो भी आपकी चौड़ाई हो उसका आप फोर्थ लें। तो यहाँ पर चौड़ाई हमारी 36 इंच है, तो उसका फोर्थ हुआ 9 इंच, और यहाँ पर 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। इसके बाद जो भी आपकी कमर है उसका आप फोर्थ करें। तो यहाँ पे जो कमर है हमारी 32 इंच है, तो उसका फोर्थ हुआ 8 इंच, और यहाँ पे 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। और इन लाइनों को हमें आर्म होल्स की तरफ मिलाना है। पहले हमें फोर्थ का मार्क करना है और दूसरा हमें मार्जिन के लिए मार्क करना है, और इन लाइनों को हमें आर्म होल्स की तरफ मिलाना है। इसके बाद अब हमें आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करनी है। आर्म होल्स की लेंथ हमारी 7 इंच है। जो भी आर्म होल्स की लेंथ हो उसके सेंटर पे एक मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है 1.5 इंच पे, और गोलाई करनी है। ये ड्राफ्टिंग हमारे बैक आर्म होल्स की होती है। इसके बाद अब हम फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे आपको। जो मार्क हमने 3.5 इंच पे किया था, यहाँ पे हमें 1/2 इंच गले की तरफ करना है, और 1/2 इंच ही हमें यहाँ पे मार्क करना है। सेंटर वाले मार्क को हमें यहाँ पे ऐसे मिलाना है, और फिर हमें गोलाई करनी है। तो ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट आर्म होल्स की भी ड्राफ्टिंग कर ली है। इसके बाद अब हम आपको गले की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। गले की जो चौड़ाई है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमें 3 इंच पे एक मार्क करना है बंद साइड की तरफ से। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क कर रहे हैं।
इसके बाद जो गले की लेंथ है वो हम 4 इंच ले रहे हैं और ऐसे हमें बॉक्स बनाना है। तो आप जो गला है वो डिज़ाइनर गला भी बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो गला आप बनाएं। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ किस तरीके से हम गाउन बनाते हैं। यहाँ पे हमें 1/2 इंच बेस की गोलाई करनी है। इसके बाद अब हमें एक मार्क करना है, वो हम आर्म होल्स की तरफ करते हैं 1/2 इंच पे। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसे गले की तरफ तिरछा करेंगे। ये जो टॉप है इसकी ड्राफ्टिंग हो गई है, अब हम कटिंग कर रहे हैं। पहले हमें गले को कट करना है, बैक और फ्रंट गले हम साथ में ही कट कर रहे हैं। इसके बाद हमें शोल्डर की तरफ से कटिंग करनी है, फिर हमें बैक आर्म होल्स की कटिंग करनी है, फिर हमें इसे साइड से कट करना है। इसके बाद हमें एक पर्दे को अलग करना है जो हमारा बैक पर्दा रहेगा। फ्रंट पर्दे को हमें अच्छे से फोल्ड करना है। अब हमें फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग करनी है, तो यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग कर रहे हैं। जो हमारे ये टॉप के पर्दे हैं ये हमारे कट हो गए हैं, ये हमारा बैक पर्दा है और ये हमारा फ्रंट पर्दा है। साड़ी के पल्लू में से हमने टॉप की लाइनिंग कट की है और जो हमारे ब्लाउज़ का कपड़ा है इसमें से भी आप 2 पर्दे कट कर लें। और जो हमारे गाउन है इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है, ब्लाउज़ के कपड़े में से भी हमने 2 पर्दे कट किए हैं, गाउन की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। हम रख के दिखा रहे हैं और इसकी लुक बहुत ही सुंदर आई है। अब हम आपको सिलना बताएंगे, सिलाई आप ज़रूर देखें, वहाँ भी हम टिप्स बताएंगे आपको कुछ। तो हमने यहाँ पे ये पर्दा लिया है और इस पर्दे को हमने ऐसे उल्टा रखा हुआ, ध्यान रखें पहले पर्दे को हमें उल्टा रखना है, जो हमारा लाइनिंग वाला पर्दा है इसे हमें उल्टा रखना है और जो मेन फैब्रिक है इसे भी हमें इसके ऊपर ऐसे उल्टा ही रखना है और पिनअप कर लें। पिनअप करने के बाद गले की तरफ सिलाई लगानी है, फिर आर्म होल्स की तरफ सिलाई लगानी है, ऐसे ही दूसरे आर्म होल्स की तरफ सिलाई लगानी है। ध्यान रखें शोल्डर की तरफ हमें सिलाई नहीं लगानी है, गले की तरफ और आर्म होल्स की तरफ सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने गले की तरफ और आर्म होल्स की तरफ सिलाई लगा ली है, हमने शोल्डर पर सिलाई नहीं लगाई है। ध्यान रखें ये सिलाई आपको छोटे नंबर से लगानी है और फिर इसमें हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। ऐसे ही आप गले में कट लगा लें, ऐसे ही दूसरे आर्म होल्स पर कट लगा लें। यहाँ पर हमने इसमें कट लगा ली है। कट लगाने के बाद अब हमें इसे फ्रंट साइड की तरफ ऐसे फोल्ड करना है, सीधा करना है। तो यहाँ पे हम शोल्डर की तरफ से इसे ऐसे सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ पे आप प्रेस कर लें इसे अच्छे से। और अब हमें क्या करना है, अब हमें जो घेर वाला पर्दा है स्कर्ट पार्ट है उसे लेना है। और लाइनिंग हमने आपको कट करनी नहीं बताई थी क्योंकि इससे पहले जो हमने गाउन कट किया था उसमें हमने लाइनिंग कट करना बताया था। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग वाले पर्दे को ऐसे सीधा रखा हुआ है और इसे हमने ए शेप में कट किया था और इसके लाइनिंग को हमें सीधा रखना है और इस वाले पर्दे को भी सीधा रखना है और इसमें हमें प्लेट्स भरनी हैं। तो यहाँ पे हम जो कमर है यहाँ पे हम प्लेट्स भर रहे हैं और ये हमारा 2.5 मीटर कपड़ा था साड़ी वाला। तो यहाँ पे जो हम प्लेट्स भरेंगे इस ये हमें 1.5 इंच की भरनी है और पास पास में ही भरनी है और ऐसे ही आप पूरे ऐसे लाइनिंग में प्लेट्स भर लें। ध्यान रखें हम लाइनिंग में प्लेट्स नहीं भर रहे हैं, लाइनिंग के ऊपर हम इस पर्दे को जोड़ते हुए प्लेट्स भर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें बहुत सारी प्लेट्स भर ली हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें टॉप का पर्दा लेना है और इस टॉप वाले पर्दे को हमें इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखना है और यहाँ पे आप एक सीधी सिलाई लगा लें। ध्यान रखें जब भी आप यहाँ पे सिलाई लगाएं तो आपकी सिलाई एक ही सीध में होनी चाहिए। यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इस पर्दे को ऐसे सीधा करना है और यहाँ पे आप एक लेस भी लगा लें। लेस लगाने से भी बहुत अच्छी लुक आएगी, तो यहाँ पे आप लेस लगा लें। लेस लगाने के बाद जो यहाँ पे हम टिप्स वाली बात कर रहे थे तो वो हम यहाँ आपको बताएंगे। पहले आप यहाँ पे एक लेस लगा लें। लेस लगाने के बाद जो आर्म होल्स है, आर्म होल्स पर जब भी हम चौड़ी लेस लगाते हैं तो काफ़ी झोल आता है। तो हम लेस कैसे लगाएं झोल भी नहीं आए और फिनिशिंग बहुत अच्छे से आए। पहले तो आपको लेस लेनी है, लेस की चौड़ाई 1 इंच हो या 2 इंच हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज हम आपको फिनिशिंग के साथ लेस लगाना बताएंगे। तो हमें लेस लेनी है और लेस को हमें आर्म होल्स पर रखते हुए ये देखना है कि हमारे आर्म होल्स पर कितनी लेस लगनी है। तो हम आर्म होल्स पे ऐसे लेस को रखते हुए गोलाई करते हुए ये देखेंगे कि हमारी लेस कितनी लगेगी आर्म होल्स पर, और उससे 1 इंच या 2 इंच आप अधिक रखें लेस को और कैंची से कट कर लें।
इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कौन सी साइड आप आर्म होल्स की तरफ रखना चाहती हैं और कौन सी साइड गले की तरफ। तो मैं इधर की साइड आर्म होल्स की तरफ रखना चाहती हूँ और फिर उसी साइड में हमें एक सिलाई लगानी है बड़े नंबर से। ध्यान रखें, पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी साइड आप आर्म होल्स की तरफ रखना चाहती हैं, उसी साइड में बड़े नंबर से एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने बड़े नंबर से सिलाई लगाई है। इसके बाद अब हमें पर्दा लेना है और इधर की साइड से हमें सिलाई नहीं लगानी है, जहाँ पे हमने बड़े नंबर से सिलाई लगाई है हमें दूसरी साइड में गले की तरफ ये सिलाई लगानी है। ऐसे अच्छे से करते हुए, जैसे हमारे आर्म होल्स की गोलाई है, ऐसे ही लेस को घुमाते हुए हमें फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। जो हमारे लेस की दूसरी साइड है वो बिल्कुल किनारी पर आनी चाहिए और ऐसे हमें इसमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमने सिलाई लगाई है और आपको दिख रही होगी कि इस लेस में काफ़ी झोल आ रहा है किनारी की तरफ। और जो हमने बड़े नंबर से सिलाई लगाई थी लेस पर, इसे हमें हल्के हाथ से खींचना है। ऐसे हम इसे ऐसे खींचेंगे और इसे हम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ऐसे सेट करेंगे और अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ऐसे हम जब सिलाई लगाएंगे तो इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। आप ऐसे अब सिलाई लगा लें तो इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो हम इसी टिप्स की बात कर रहे थे। ऐसे ही हमने इधर के आर्म होल्स पे सिलाई लगाई है और लेस लगा ली है और ऐसे ही हमने दूसरे आर्म होल्स पर भी लेस लगा ली है। ऐसे लेस लगाने से बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा और आप गले पर भी ट्राई कर सकती हैं। गले पर मैं आपको इसलिए लगाना नहीं बता रही हूँ क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो आप इसी तरह गले पर भी लेस लगा सकती हैं। और जो हमारा ये फ्रंट पर्दा है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही आपको बैक पर्दे को कंप्लीट करना है। यदि बैक पर्दे में आप लेस लगाना चाहती हैं आर्म होल्स पर तो लगा सकती हैं। यहाँ पे मैंने बैक पर्दे को तैयार किया है। मैंने लेस यहाँ पे लगाई है कमर पर और मैंने आर्म होल्स पर लेस नहीं लगाई है। यदि आप लगाना चाहती हैं तो आप लगा सकती हैं। तरीका बहुत ही आसान है। और जो हमारा फ्रंट पर्दा है इसे हमें ऐसे सीधा ही रखना है और बैक पर्दे को हमें ऐसे उल्टा रखना है और शोल्डर पे सिलाई लगानी है। यहाँ आप शोल्डर पर सिलाई लगा लें। मैं सिलाई लगाना इसलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि सिलाई मैंने अधिकतर वीडियो में दिखा रखी है। शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद आप ये बॉटम पार्ट को फोल्ड कर लें और जो लाइनिंग वाला पर्दा है इसे भी आप फोल्ड कर लें बॉटम पार्ट से। यहाँ पे मैंने लाइनिंग वाले पर्दे को भी फोल्ड कर लिया है और वैसे साड़ी वाले पर्दे को भी फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद फिर आपको साइड में सिलाई लगानी है। दोनों साइड में लास्ट तक सिलाई लगा लें। यहाँ पे मैंने लास्ट तक सिलाई लगा ली है और जो हमारा ये गाउन है ये कंप्लीट है और इसकी लुक बहुत ही सुंदर आई है। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके भी बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और जो मैंने आर्म होल्स पर लेस लगाने की टिप्स बताई है वो आपको कैसी लगी है वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।